तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में फॉर्मूले के अंदर हम रिपोर्ट ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास डेटा सही तरीके से ना आए तो उसको तरीके में कैसे लाया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक मेरा फाइल है, आप देख सकते हैं एक इस तरह से मुझे कुछ स्टेटमेंट या डेटा आया हुआ है जो कि करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए कि नेम डेट है, डेट के नीचे पूरी नेम है और फिर अगले इसके कॉलम में अमाउंट डाला हुआ है और नीचे कंपनी नेम डाला हुआ है। फिर इसके बीच में दो रो की गैपिंग है, इसमें कितने भी रो की गैपिंग हो सकती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस डेटा को सही तरीके से लाना है। जैसे सीरियल नंबर हमने यहाँ पे मान लीजिए दे दिया, यहाँ पे दे देता हूँ डेट, यहाँ पे दे देता हूँ नेम, यहाँ पे दे देता हूँ कंपनी और यहाँ पे देता हूँ अमाउंट। तो सही तरीके से आना चाहिए। अगर मैं मैनुअल करने जाऊँ तो पहले मैं यहाँ से डेट को कॉपी करूँगा, देन पेस्ट करूँगा, देन नेम को कॉपी करूँगा, देन पेस्ट करूँगा, यहाँ पे कंपनी यहाँ से कॉपी करूँगा, देन पेस्ट करूँगा एंड अमाउंट कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब इस तरह से आपको अगर मान लीजिए कि हजारों, 10,000, 20,000, लाख रो नंबर रो का डेटा है तो मुश्किल हो जाएगा ना। अब इस डेटा में आपको ढूंढना है पैटर्न कि आखिर इस डेटा का पैटर्न क्या है। जब तक इसका पैटर्न नहीं ढूंढोगे तब तक नहीं होगा। पैटर्न तो ढूंढना जरूरी है। जैसे कि फिल्मों में देखते थे ना, चोर की चोरी करने का पैटर्न ढूंढता था लोग, सेम उसी तरह डेटा का पैटर्न। तो डेटा का पैटर्न में है कि सबसे पहले मेरा डेट आता है, डेट के ही नीचे अगली कॉलम में नीचे एक रो नीचे नेम होता है और उसी नेम के आगे दो कॉलम छोड़ के तीसरे कॉलम पे हमारा अमाउंट होता है और ठीक जिस नेम के पहले वाले कॉलम डेट के नीचे नेम और डेट के नीचे आपको कंपनी का नेम आता है। समझ गए, पैटर्न समझ में आया आपको। अंकित जी, गौतम जी, सुंदी जी, समझ में आया आपको? हाँ सर, सुन रहा हूँ। तो इसको चलिए कैसे करें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कॉलम इंसर्ट करूँगा। कॉलम इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इज डेट का। किसका लगाऊंगा? इज डेट का, क्योंकि इस कॉलम में हमारा ए भी है। अब यहाँ इज डेट का नहीं, इज नंबर कर दीजिए, ताकि इसे टेक्स्ट है तो इज नंबर नहीं कर सकते आप जी। तो ट्रू आएगा, लेकिन ब्लैंक को भी ट्रू कर दिया तो ब्लैंक ट्रू नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया इसमें, इसमें से ईयर को निकालता हूं, ईयर से 2021 निकल जाएगा कि नंबर करूंगा तो हो सकता है इससे बीच में कहीं एक दो नंबर इस तरह से हो, इस तरह से कुछ और फालतू डेटा नंबर हो। तो हमने यहाँ पे 2021 हमने निकाला यहाँ पे 2021 और फिर मैंने यहाँ पे बोला कि इफ इसका रिजल्ट अगर इक्वल टू 2021 है तो, या कोई इनिशियल वर्ड दे दीजिए कि हाँ भाई 2000 से ऊपर हो, या आपको लगा कि नहीं मुझे आपको लग रहा है कि इसमें मल्टी ईयर डेटा है तो आप ग्रेटर देन 2000, ग्रेटर देन 1500 ऐसे आप डेट डाल सकते हैं, जिससे एग्जैक्ट हमें पता चल जाए। क्योंकि 55 पे भी नंबर है तो नंबर इस नंबर का फॉर्मूला इसको ही ट्रू देगा। और मंथ निकालूंगा तो इसमें भी से मंथ निकलेगा, डे निकालूंगा तो इसमें भी से डे निकलेगा, इसलिए ऐसा हमने किया। अगर इक्वल टू डेट है तो 2020 है तो इस पर प्लस 1 कर दो, अदरवाइज ब्लैंक। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, नहीं A2 से प्लस A2 करना, माफ कीजिएगा A2 से प्लस सम लगाना होगा, मैक्स में A2 प्लस 1। अब नीचे ड्रैग करने के लिए हमें क्या करना है, पहले वाले A2 को फ्रीज कर देना है, दूसरे वाले A2 को जैसा वैसा छोड़ दीजिए और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें। अब यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि कल ए है, इस पर ईयर का फॉर्मूला तो डेट पर लगेगा नहीं, तो यहाँ पे हम इफ एरर का फॉर्मूला लगा के हम क्या, हमने क्या किया, इसको
इस तरह से ब्लैंक। तो ये करने का पर्पस क्या हुआ कि जितने भी डेट है उनका हमने एक सीक्वेंस नंबर दे दिया, दिख रहा है सीक्वेंस नंबर। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैथ्स का, जिससे पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने निकले हैं। जितने नंबर ऑफ सीक्वेंस निकले हैं उतना मैं यहाँ सीरियल नंबर जनरेट करूँगा। यहाँ लिखूंगा कि इफ अगर इसमें ऊपर वाले प्लस वन करने पे ग्रेटर देन सिक्स है तो यहाँ ब्लैंक दे दो, नहीं तो ऊपर वाले में प्लस वन करो। और इसमें एरर होने के चांसेस है, ये हमने आपको इस तरह के फॉर्मूले में बताया हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसको इस एरर से ब्लैंक कर दिया और आई वन को हमने फ्रीज कर दिया। अब आई वन के जगह पे आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट मैक्स का फॉर्मूला भी लगा दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल मैंने लगाया कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण, फिर नीचे तक ड्रैग कर दिया तो नंबर आ गया। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ फॉर्मूला किसका, वी लुकअप का। वी लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको हमने लिया और कॉमा टू कॉमा जीरो कर दिया। तो इसमें देखिए सारे डेट आ गया, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये आ गया, तो यहाँ पे आप इफ फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि ब्लैंक, हाँ ये ब्लैंक की जगह पे मैं स्पेस कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक होने के कारण ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैंने इसको स्पेस कर दिया, इसको भी स्पेस कर दिया, तो अभी यहाँ पे एरर आया। अब जो है यहाँ पे एरर आ जाएगा, एरर आ गया। अब मैं यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगा के एरर को ब्लैंक कर देता हूँ और नीचे तक इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने ये तो हो गई आपके, फिर यहाँ पे देखिए आपके सामने दिख रहा है नेम। फिर आपने स्पेस क्यों डाला वापस, इसने मुझे समझा नहीं। जो ब्लैंक है ना यहाँ पे, ब्लैंक दिख रहा है ना, इस ब्लैंक को और जो वी लुकअप में जो ए ब्लैंक था उसको मैच कर रहा था, इसलिए। अच्छा ठीक है। अब नेम तो नहीं आएगा वी लुकअप से, क्योंकि नेम इस कॉलम में नहीं है, इसके निचले कॉलम में है ना। तो यहाँ पे मैं मैच का फॉर्मूला पहले लगाऊंगा, मैच फॉर्मूले में बोलूंगा कि वन को इस कॉलम में मैच करके बताओ कि कहाँ है, तीसरे नंबर पे है। देन मैं ऑफसेट का फॉर्मूला या इंडेक्स भी आप लगा सकते हो, लेकिन इंडेक्स नहीं, मैं यहाँ ऑफसेट लगाऊंगा। इंडेक्स यहाँ पे सूट नहीं करेगा। ऑफसेट में हमने इसको बोला कि यहाँ से है और यहाँ से हमारा जो रो नंबर है वो 3-1 है, क्योंकि तो हमने बताया था आपको कि एक कम लेता है ऑफसेट। कॉलम्स जो है इसका ये यहाँ पे नहीं, रो जो है इस पर प्लस होगा क्योंकि नीचे वाले रो पे नाम है ना, क्योंकि वन तो इस पर आ गया, तो एक रो नीचे आना है, इसे माइनस वन ना करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और कॉलम जो है हमारा वो है 0-1-2 नंबर कॉलम। यहाँ देखिए पूजा शर्मा आ गया, ठीक है। अब कंपनी नेम के लिए भी हम यहाँ ऑफसेट, इसको एक मिनट मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ एल टू के अंदर इसको डाल देता हूँ और फिर इस फॉर्मूले को कट, यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो नेम हमारा आ गया। अब नेम को नीचे ड्रैग करना है तो हमें ए वन को फ्रीज करना होगा, जे टू को फ्रीज करने की जरूरत नहीं, बट ए बाई ए को फ्रीज करना पड़ेगा। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो सारे नाम आ जाएंगे। अब यहाँ पे एरर आया, तो हम इस एरर को दूर करने के लिए इस एरर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इस एरर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया और नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो सारे नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गए, आ गया सारा नाम। अब इसी फॉर्मूला को उठाऊंगा यहाँ पे इसका। अब मेरा जो कंपनी है वो डेट से दो रो नीचे है और एक कॉलम आगे है। अब प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसी के बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा जे टू आ गया, ए वन से ए वन आ गया, मैच का रिजल्ट है ना। तो मैच का जो रिजल्ट है, इस मैच के रिजल्ट में
यहाँ पे आ जाएगा एक और दो, दो इसमें हम प्लस कर देंगे, और इसमें कॉलम जो इस बार है एक ही रखेंगे, नहीं जीरो आया, दो नहीं इस बार तीन, इसमें एक प्लस करते हैं, ए बी सी कंपनी, अब सही है, एक ही प्लस करना था, तो यहाँ ए बी सी कंपनी हमारा आ गया, ठीक है। और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, सारे कंपनीज के लिस्ट यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं अमाउंट की, तो अमाउंट के लिए जो नेम वाला कॉलम डेटा है इसी को लेते हैं, सब कुछ इसमें सेम रहेगा, बस इसका कॉलम का जो नंबर है वो हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्योंकि ए जो कॉलम है यहाँ से एक दो तीसरे पे है, इसमें हम तीन ऐड कर देंगे, मतलब कि इसमें टोटल फाइव कॉलम नंबर फाइव करेंगे। एक बार काउंट कर लेता हूँ मैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, रो सेम है हमारा, तो इस दो को पाँच कम कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखिए आपका रिजल्ट आ गया। तो आपने देखा जिस काम को करने में हमें घंटों लगते हैं, हमने वीवीए कोड के इस्तेमाल किए बगैर हमने फॉर्मूले को कैसे कर लिया। तो आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो बताइए कि हाँ सर मुझे फलाना चीज समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाऊंगा। कोई डाउट नहीं आप लोगों को? ना सर। पक्का नहीं है ना? सर एक बार वो जो जहाँ पे अपने प्लस वन किया था वो कौन सा फॉर्मूला था? देखिए सिंपल सी बात समझिए, डेटा डेटा बहुत ही अनसिक्वेंस अरेंज हुआ हुआ है, तो हमने हमने इसका पैटर्न ढूंढा कि भाई जिस सबसे पहले हमें डेट मिलता है, डेट के अगली कॉलम के एक रो नीचे हमारा नेम मिलता है, इसी में तीन रो बाद हमें उसका अमाउंट मिलता है, और जो जहाँ पे डेट है उसी से एक रो छोड़ के दूसरे रो पे हमारा कंपनी नेम है उसी कॉलम में, और ये पैटर्न हर चीज़ पे अप्लाई किया जाता है। हमने देखा है कि हमें डेट को ही पकड़ना है, हमने डेट को पकड़ा, पर डेट है कैसे आइडेंटिफाई होगा, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया कि भाई ईयर देखो, अगर ईयर 2021 है तो जहाँ फॉर्मूला लग रहा है इससे ऊपर जितने भी नंबर है मैक्सिमम उसमें एक प्लस वन कर दो, जिससे क्या हो गया, इससे एक सीक्वेंस नंबर जनरेट हो गया, तो हर डेट के आपने सामने उसका सीक्वेंस नंबर आ गया। फिर मैं मैक्स फॉर्मूला लगा के मैक्सिमम नंबर यहाँ निकाल लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सीक्वेंस दे लिया, और डेट तो जनरली हमें वी लुकअप से ही आ गया, कुछ करना नहीं था क्योंकि जिसमें नंबर है उसी के सामने वाले कॉलर में हमारा डेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट प्रॉब्लम थी कि नेम कैसे आता, क्योंकि नेम उसके नंबर जो है हमारा है उसके एक दो दूसरे कॉलम पे पहला दूसरे कॉलम के एक रो नीचे आएगा, तो यहाँ पे मैंने मैच फॉर्मूले से पता लगा लिया सबसे पहले कि नंबर जो है नंबर का रो नंबर क्या है। फिर रो नंबर जब पता चल गया तो हमने क्या किया, ऑफसेट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, हमने ऑफसेट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, क्योंकि ऑफसेट फॉर्मूले में रो एंड कॉलम नंबर हम दे सकते हैं, तो ऑफसेट पे हमने बोला कि A1 से चलना है, मैच का जो रिजल्ट आएगा, हालांकि जनरली हम लोग माइनस वन करते हैं, बट यहाँ पे हम माइनस वन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे उसके नीचे वाले रो में चाहिए, नीचे नंबर रो से दूसरे कॉलम पे, तो पहला और दूसरा कॉलम दिख रहा है सर, क्योंकि ऑफसेट जीरो से काउंट करता है, तो मान लीजिए इसके कॉलम इसने इसने अगर फोर रिटर्न किया यहाँ, इसने मान लीजिए अगर थ्री रिटर्न किया मैच ने, तो यहां से जीरो वन टू थ्री फोर पे पहुंचेगा, और यहां से जीरो वन टू और आपका नेम शो कर,
अब कंपनी की बात करे तो कंपनी जो है डेट से दो रो दूसरे रो पे तीसरे रो पे पहला और दूसरा, पहला हो गया डेट, दूसरा ब्लैंक और तीसरे रो पे। तो इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नंबर ऐड कर दिया। मान लीजिए मैच का रिजल्ट वन को ढूंढ के अगर थ्री देता है तो थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, तो ऑफसेट काउंट करेगा जीरो वन टू थ्री फोर, और हमने बोला कि पहला कॉलम है तो जीरो एंड वन, इस कॉलम का डेटा यहाँ पे आपको शो कर देगा। फिर आती है अमाउंट की बारी, तो अमाउंट में सब कुछ सेम रहेगा जो नेम में हमने लगाया था, बस इसका कॉलम नंबर हमने बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ से जब काउंट करेगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव नंबर रो में है, तो फाइव नंबर रो का डेटा आपका दिख गया। ठीक है, तो इसकी देखिए मैं आपको फाइल नहीं भेज रहा हूं, अब मुझे सेम एग्जांपल बना के आप भेजिए। यस सर, समझे गौतम जी? हाँ हाँ, मैं इसकी वीडियोज आपको 10 से 15 मिनट में ग्रुप में डाल देता हूँ, लेट नहीं करूंगा, 10-15 मिनट डाल देता हूँ।